खबर कि अवैध मस्जिदों पर ठंडे, लेकिन अवैध मस्जिदों का विरोध करने वालों पर लाठी और डंडे। क्या हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार की ऑफिशियल नीति बन चुकी है? वो इसलिए क्योंकि शिमला के बाद अब मंडी में अतिक्रमण करके बनी मस्जिद पर सुक्कू सरकार नरम नजर आ रही है और मस्जिद का विरोध करने वालों पर गर्मी दिखाई जा रही है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मंडी में मुसलमान खुद एक मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ रहे थे और मान रहे थे कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है, और आज इसी के खिलाफ जब लोगों ने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शनकारियों पे पूरी ताकत पुलिस ने झोंक दी। विरोध कर रहे उतनी भीड़ पर वाटर कैनन तक चला दी गई, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनको मोहलत दी जा रही है, जिस निर्माण का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल बनता है कि अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार को मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध करने वालों से चिढ़ क्यों है? तो बात सिर्फ एक अवैध मस्जिद की नहीं है। शिमला के बाद अब मंडी में अवैध मस्जिदों पर सुक्कू सरकार की मेहरबानियां खुलेआम सामने आ रही हैं, और ये तब भी सामने आ रही है जब खुद सीएम सुक्कू उसका इजहार कर रहे हैं। शिमला में मस्जिद की अवैध मंजिलों का विरोध होता है तो जवाब में मिलती हैं लाठियां। मंडी में मस्जिद की अवैध दीवार का विरोध होता है तो जवाब में मिलती है वाटर कैनन। और जो अवैध निर्माण करते हैं उन्हें गलती सुधारने के लिए महीने भर का समय दिया जाता है, लेकिन जो गैर कानूनी काम का विरोध करता है उस पर सरकार और सिस्टम अपना पूरा जोर लगा देते हैं। इस हंगामे पर जब मीडिया सीएम से सवाल करती है तो जवाब मिलता है हिमाचल प्रदेश में तो लाठी डंडे चलते रहते हैं। जब कोई बैरिकेड तोड़ता है तो थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत डंडे, ये सब हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शनों के एक अंग बन चुके हैं। धर्म स्थल के नाम पर अवैध निर्माण किया जाता है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है, इस पर हिमाचल के सीएम कुछ नहीं बोलते। उन्हें दिक्कत है तो प्रदर्शनों से, उनकी परेशानी है कि कहीं पर्यटकों की संख्या कम ना हो जाए। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है, सौहार्द वाला प्रदेश है, कहीं ऐसा संदेश ना जाए कि हिमाचल में पता नहीं बहुत बड़ी घटनाएं हो रही है। तो इस दृष्टि से ये बैठक बुलाई गई और क्या ताकि पर्यटकों पर इसका असर ना पड़े और पर्यटक आने बंद ना हो। मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रदेश में सौहार्द की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधियों का कहना है कि सुक्कू सरकार तुष्टीकरण कर रही है, सरकारी कार्रवाई धर्म देख कर की जा रही है। कल जिस प्रकार का लाठीचार्ज हिंदुओं के ऊपर किया गया उसका हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। प्रशासन सरकार इसके लिए उन्हें करबद्ध तरीके से हिंदू समाज से माफी मांगने की आवश्यकता है। आज तो मुझे लगता है कि एक ये प्रायोजित तरीके से उन्होंने कहा है, और मुझे इसके लिए एक जुमलेबाजी से अधिक मुझे इसके कोई बात नजर नहीं आ पाती। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं ये समझ आता है, लेकिन राज्य में गैर कानूनी गतिविधियों के विरोध में बल प्रयोग, सुक्कू साहब के इस मॉडल को समझना और स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। शिमला से सभी शराणा के साथ मंडी से नीतीश सैनी की रिपोर्ट जिमी। तो ये तस्वीरें आपने देखी, विपक्ष की आवाजें आपने सुनी, लेकिन सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि हिमाचल की जनता भी सुक्कू सरकार के कथित तुष्टिकरण को लेकर नाराज है। लोग खुद ये पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के प्रदर्शन पर जब बल प्रयोग किया जा सकता है तो अवैध मस्जिद को गिराने में वक्त क्यों लगता है? हिमाचल सरकार कैपेबल है इसको हटाने में, फिर एजुकेट क्यों हो रहे हैं कि क्यों नहीं हटा रहे? ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी कि ये इसको नहीं हटा रहे? आम लोगों के लिए कानून और है और इनके लिए कानून और है, इनको प्रोटेक्ट करना है और हम लोगों को क्रश करना है, ऐसा कैसे चलेगा? जो बाहरी लोग आ रहे हैं गांव-गांव में कंबल बेचने, कपड़े बेचने जा रहे हैं, और घर गांव के अंदर गरीब लोगों के घर में लड़कियों से औरतों से छेड़छाड़ करते हैं,
यदि इनको उचित कार्रवाई करनी होती तो ये हमारे सड़कों पे उतरने से पहले ही कर देते। जैसा कि हम सभी देखते हैं, प्रशासन इस तरफ इसलिए अग्रसर हुआ क्योंकि हम सड़कों पर उतरे। जब हिंदू समाज सड़कों पर उतरा तो सोया हुआ प्रशासन जागा। जिस प्रकार पुलिस तैनात है, वाटर गन तैनात है हमें रोकने के लिए, उसी प्रकार यदि ये उचित कार्रवाई मस्जिद को तुड़ाने के लिए करते तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। किसी समय जो बाहरी प्रवासी लोग आगे हमारे हिमाचल देवभूमि में बस रहे हैं, इनकी संख्या कुछ परसेंट थी, 2% के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पर रहते थे। आने वाले समय में इनकी मस्जिदें जो है, इनकी मजारे अवैध रूप से जो है बढ़ती जा रही है। Z News।